मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली पर। क्लास टेंथ की चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, उसमें भी हम प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 हम देख, मतलब इसका क्वेश्चन ग्राफ विधि से हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको हम देखते हैं, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब फर्स्ट कंडीशन में ये बोलना चाह रहा क्वेश्चन कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब पहले हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है। इसमें माना कि लड़कों की संख्या x है। अब यहाँ लड़कियों की संख्या y है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहली कंडीशन में देखते हैं, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब 10 विद्यार्थियों, लड़कों और लड़कियों दोनों मिला के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस y इक्वल टू 10। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या बोला, मतलब इसको समीकरण 1 नाम हम दे देते हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो मतलब लड़कियां इसमें, मतलब ज्यादा लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम हैं, तो उन्हें हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो लड़कियां कितना है, 22। लड़कियों को क्या माना हमने, 22 इक्वल टू एक्स। एक्स लड़के हैं, लड़कों की संख्या मतलब ज्यादा है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम पड़े, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला, ग्राफी विधि से हल करना है। तो मुझे हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तब हम यहाँ एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तब यह समीकरण एक से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये बता, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, हमें ऐसे वाई का एक्स का मान या वाई का मान ऐसे रखना है कि दशमलव में ना यहाँ पूरी तरह कट जाए। तो हमें अपने से मान के रखना, कुछ भी आप रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रखते हैं, 5, कुछ भी रख सकते हैं जो कि वाई मतलब दशमलव में ना है, माइनस में आ सकता है तो भी चल जाएगा। तो हम एक्स वाई का मान 3 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हाँ, इसमें वाई का मान हम 3 रख के देखते हैं, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10। तो एक्स बराबर हो जाएगा 10, इधर प्लस में तो उधर में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर 7 आ गया, ठीक। अब एक्स बराबर 7 आ गया, वाई का मान रखे था, अब एक्स का मान सोच के रखते हैं क्या रखना है, तो एक्स का मान क्या रखते हैं, 4 रख लेते हैं, एक्स 4 रखते हैं। तो एक्स 4 रखेंगे तो एक्स के मान 4 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई बराबर इधर प्लस में तो उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 4 वाई बराबर 6।
इसको हम ग्राफी विद से हल करना है। अब हम जगह कम पड़ी है तो हम क्वेश्चन ऊपर का मिटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन का पूरा हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, इसकी अभी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अभी हमें इसको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि अगले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या निकालना है। अब इसको हम उसमें लिख लेते हैं, एक साइड मतलब समीकरण एक का ही लिख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस वाई स्क्वल टू 10 का मान डब्बे हम बना के इसको व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं। x का मान क्या माना था पहले, y का मान कितना माना था पहले, पहली कंडीशन में 3 माना था। x का मान कितना निकला था, 7 निकला था। अब फिर इसमें x का मान कितना माना, 4, तो y का मान कितना निकला था, 6, ये हो गया। अब समीकरण 2 का हम ऐसे ही निकालेंगे, जिसको हम पूरा रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमने रख लिया x वाला पूरा। y का समीकरण 2 बस यहाँ छोड़ देते हैं, ये तो पूरा हम अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, y इक्वल टू x प्लस 4, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2, समीकरण 1 को जैसे हम x y का मान निकाले हैं बच्चों, वैसे हम समीकरण 2 का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर x प्लस 4, ये समीकरण 2 है। तब बच्चों x का मान हम सोच क्या रख दें, तो मतलब ऐसा रखना है कि क्या नाम है, माइनस में तो आ जाए तो चल जाएगा, पर पॉइंट में ना आए, जैसे दशमलव में आने में, जैसे ग्राफ में आपको दर्शाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम x का मान 0 ले लेते हैं। तो y बराबर 0 प्लस 4, तो y बराबर कितना आएगा, 4, y का मान 4 आ गया। ठीक, x का मान हमने 0 लिया तो y का मान 4 आ गया। ठीक, अब इसी को हम x, अब क्या नाम, y बराबर क्या ले लें, y का मान 2 ले लेती हूँ, 2। ठीक, तो समीकरण 2 में ही y का मान रखेंगे 2 इक्वल टू x प्लस 4। तो अब हमें x का मान मतलब x को इधर लाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर 4 माइनस 2, ये प्लस में था तो ये जाएगा उधर, माइनस में जाएगा, तो x बराबर माइनस 2। बच्चों इसी समीकरण 2 में y बराबर 2 रखती है, ये समीकरण 2 में y बराबर 2 माने हैं हम, तो y की जगह पर 2 रखें, इसका टू x प्लस 4, तब हम 4 को इधर ला लेते हैं, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू x हो जाएगा, तो माइनस को 2 इक्वल टू x, x का मान हमें 2 मिल गया। ठीक, अब हम यहाँ कोष्टक में इसको बना लेते हैं, जो कि ग्राफ में हमें समझाने में आसानी रहे। x y, तो x का मान क्या है, 0, तो y का मान क्या निकला है, 4, फिर y का मान हमने क्या माना था, 2, x का मान क्या निकला है, माइनस 2। अब हम इसको ग्राफ में आपको समझाते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। बच्चों ये आपका ग्राफ मैंने बना दिया है, इसमें देखिए जो हाईएस्ट नंबर आप वहाँ तक खींच सकते हैं, जितनी आपकी जगह मतलब खींच सकते हैं आप, 10 11 कुछ भी खींच सकते हैं, पर हमारे पास इतनी जगह, तो इधर 9 तक, तो मैंने इधर 9 बना दिया, इधर जगह नहीं थी इसलिए हम 7, क्योंकि हाईएस्ट 7 थे इसलिए हमने 7 के अकॉर्डिंग काम किया है, प्लस में था इसलिए प्लस वाले हम ज़्यादा वो मतलब आगे तक ग्राफ खींचे हैं, माइनस में कोई हमारे पास संख्या नहीं है इसलिए हम कम खींचे हैं। बच्चों ये आपका ग्राफ बन के तैयार, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष है, इसमें हम
इसमें देख मतलब इसमें नंबर जो हाईएस्ट होता है उसके अनुसार से आप ग्राफ खींच सकते हैं। हमारे पास जितनी जगह थी हम उसी अनुसार बना लिए हैं। अब हम इसको इसमें बनाते हैं। ये एक्स कमा सेवन, ये एक्स यहाँ है सेवन, और वाई कमा थ्री, वाई यहाँ से लेना है सेवन, और इसके जस्ट सामने करना है। ये पहले हम एक्स अक्षांश को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। तो पहले एक्स कितना है सेवन और ये थ्री, यहाँ पे ये बिंदु पर ठीक। अब हम ये दूसरा वाला ले लेते हैं, तो एक्स का फोर है, ये फोर आया, और वाई सिक्स, ये सिक्स और फोर, इसके जस्ट सामने हमें, इसके सामने यहाँ, ये यहाँ से ये यहाँ, यहाँ पे आएगा। पहले हम जैसे कि बताया पहले एक्स अक्षांश लेते हैं फिर वाई लिखते हैं। ये पहले चार फिर सिक्स, अब ये हमें ग्राफ मतलब मिलाना है दोनों, ये आगे कट जाए, आगे तक बढ़ा देना। अब हम समीकरण दो के अक्षांशों को इसमें शून्यांकों को इसमें दर्शाएंगे। एक्स क्या है जीरो, ये हो गया जीरो, अब ये बाई क्या है फोर, ये यहाँ पे, ये पहले जैसे कि हमने बताया है पहले एक्स को लिखा जाता है फिर बाई को, यहाँ पहले जीरो लिखेंगे फिर बाई क्या फोर है। अब हम दूसरा देखते हैं एक्स माइनस दो, ये माइनस दो यहाँ है और प्लस बाई का प्लस दो है, तो ये यहाँ पे आएंगे, तो एक्स क्या है माइनस दो, बाई क्या है दो, इसको हम यहाँ से काटेंगे, काटता हुआ यहाँ पे आएगा ठीक। यहाँ पे दोनों लाइनों को मतलब कट रहा था, अब ये जहाँ पे कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या, ये यहाँ से ये थ्री हो गया, इसके सामने ये, इसके सामने ये, थ्री और सेवन, ये आपका आता है एक्स बराबर थ्री, वाई बराबर सेवन। बच्चों उसमें बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक है, तो लड़कियों की संख्या तीन, ये देखिए इसमें अंतर कितना रहा, चार का रहा ना, तो लड़कियों की संख्या सात हो गई, लड़कों की संख्या तीन। तो मतलब जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक है, तो उसका यहाँ पे मिल रहा चार अंतर आ रहा था, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड क्या बोल रहा है, पांच पेंसिल तथा सेवन सात कलमों का कुल मूल्य ₹50 है ठीक। जबकि सात पेंसिल तथा पांच कलमों का कुल मूल्य ₹46 है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हल बराबर हम माना की मान की लिखेंगे इसमें, माना की पेंसिल पेंसिल का कुल मूल एक्स रुपए है। अब दूसरा एक्स रुपए है, अब कलम 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 का कुल मूल ₹22 है। तब हम इसको फर्स्ट कंडीशन मतलब पहली समीकरण बनाने के लिए पांच पेंसिल तथा सेवन कलमों का मूल ₹50 है, तो हम इसको जैसे कि पांच पेंसिल को क्या माना है ₹1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस कलम को क्या मिला माना है बाई, तो सेवन बाई, इनका कुल मूल कितना है ₹50, कुल मूल ₹50 है, इक्वल टू 50, समीकरण एक हो गया। अब हम समीकरण दो बनाएंगे, यहाँ से सेवन पेंसिल तथा पांच कलमों का कुल मूल ₹46 है, यहाँ सेवन एक्स प्लस फाइव बाई बराबर ₹46, ये समीकरण दो हो गया। अब इसको हम इसमें समीकरण एक में
मान रखेंगे बाई का। इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में माना कि बाई एक्स बाई का मान कुछ भी रख सकते हैं, वैसे इसमें भी अज्यूम करके रखना है, प्लस पॉइंट में ना आए, कोई भी संख्या आ जाए पर दशमलव में ना आए, क्योंकि ग्राफ में इसको दर्शाना, तो ग्राफ में दर्शाने के लिए दशमलव में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम ऐसी संख्या मानेंगे कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए, दशमलव में ना आए। तो इसका समीकरण एक, समीकरण एक से ये क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस सेवन बाई स्क्वायर टू 50। तो हम बाई का मान क्या मान ले बच्चों, यहाँ पे दो रखेंगे, सात दून 14 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 50 में 14 गए 6, 50 में 14 गए 6 दो 36 आ जाएगा, 36 पाँच से कटेगा नहीं, इसलिए हम इस ऐसी संख्या मानेंगे जो प्रॉपर कट जाए। तो बाई का मान हम मान लेते हैं बच्चों, बाई बराबर 0 मान लेते हैं, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ये 5x प्लस 7 इंटू 0, बाई का मान 0 रख रहे हैं, ये 50 आया। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5x ये पूरा 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, बराबर 50, तो x बराबर कितना हो गया 50 बटे, यहाँ बुरे में तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा, 50 से कम 5 से कम 5 ही 0 आ जाएगा, x बराबर 10 आ गया। अब ऐसे हम समीकरण, अब इसमें बाई का मान बाई में रखा, अब इसी में x का मान भी रखना पड़ेगा, x का मान क्या रख दें, 5 3 रखेंगे बच्चों, तो 5 15 15 उधर जाएगा, 35 57 35। अच्छा यहाँ पे 3 रख देती हूँ, यहाँ पे क्या रख दो, x बराबर 3 रखने पर समीकरण एक ही में, यहाँ पे 5 x के बराबर 3 रखेंगे प्लस 7 बाई स्क्वायर टू ये होगा 50, ठीक, 5 15 प्लस 7 बाई स्क्वायर टू 50, 7 बाई इधर इधर प्लस में है बच्चों, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 15, तो 7 बाई बराबर ये 50 में 15 गए 35 आएगा, ठीक, 10 में 5 गए 5, ये 2 हो जाएगा, 5 में 2 गए 3 आ जाएगा, खांसी इसमें जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो बाई बराबर आ जाएगा 35 बटे 7, 7 पन्ना 35, बाई बराबर आ गया 5। अब इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ी सी जगह नहीं है तो क्वेश्चन, क्वेश्चन भी मिटा लेते हैं बच्चों, तो क्योंकि जगह नहीं है ना इसलिए हम क्वेश्चन भी मिटा लेते हैं पूरा, जितनी ज़रूरत है उतना हम लिख लेंगे अपना। इसको हम जैसे पहले क्वेश्चन में कोष्टक बना के लिखे थे, इसको भी हम समीकरण एक को भी लिख लेते हैं, तो समीकरण एक क्या है, 5x प्लस 7 बाई स्क्वायर रूट 50, इसको हम कोष्टक बना के जो मान निकाले हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, x बाई, बाई का मान क्या रखा था 0, तो क्या मिला था 10, और फिर x का बच्चों समीकरण एक, जैसे कि 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसका x का मान 10 है तो बाई का मान 0, x मान 3 तो बाई का मान 5, बच्चों इसमें बाई का मान 0 लिया था तो x का मान 10 आया था, इसमें x का मान 3 तो बाई का मान 5 आया था, ठीक। अब समीकरण हम दो सॉल्व करेंगे, इसमें हम बाई का मान क्या ले लेते हैं, बाई बराबर माइनस 2 लिख लेते ले लेते हैं, 7x बच्चों कुछ भी आप मान रख सकते हैं, माइनस 2 लिख लेते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा जल्दी, ज़्यादा संख्या लेंगे तो ज़्यादा बड़ी आएगी इसलिए हम छोटी संख्या ले रहे हैं, माइनस 2 ले रहे हैं, 5 इंटू बाई की जगह पर माइनस 2 रखना है, ये 46 आ जाएगा, तो 7x प्लस 5 दूना 10 माइनस का 10 इक्वल टू 46, तो 7x इक्वल टू इधर प्लस में है तो उधर में जाके, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 46 प्लस 10, तो 7x इक्वल टू 46 हो जाएगा 56,
एक्स बराबर हो जाएगा 56/7, 7 7 7 8 56, एक्स बराबर 8 आ गया। अब बच्चों हम एक्स की समीकरण दो में यहाँ पे बाई का मान -2 माने थे, अब एक्स का मान मानेंगे, ठीक। एक्स का मान हम 3 मान लेते हैं, तो 7 3 21 हो जाएगा और ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसमें 25 बच जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, तो हम 7 का मान एक्स का मान यहाँ पे 3 मान लेते हैं, तो समीकरण दो में रखते हैं तो 7 × x = 3 + 5/46, 7 3 21 + 5/46, ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5/46 − 21, 5/6 में 1 गए 5, 4 में 2 गए 2, यह है 25, y = हो जाएगा 20/5, 5 1 5 25, तो y बराबर आ गया 5। अब बच्चों हम इसको भी कोष्ठक में बना के यहाँ पे रख लेते हैं, समीकरण दो में क्या है 7x + 5y = 46, इसको हम थोड़ा रफ करके यहाँ पे कोष्ठक में बना लेते हैं। एक्स वाई, तो वाई क्या माने थे -2, तो क्या निकला था एक्स का मान 8, अब एक्स का मान क्या माने 3, वाई का मान क्या निकला 5। अब इसको हम बच्चों ग्राफ में दिखाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ये हो गया हमारा बाई अक्षांश, ये बाई हो जाएगा, ये बाई डैश हो जाएगा, ये हमारा एक्स अक्षांश एक्स डैश, ये एक्स हो जाएगा, ये मूलांक शून्यांकों का मूलांक, ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9, यहाँ तक अधिकतम संख्या 10 है, इसलिए हमें एक्स अक्षांश में 10 तक दिखाना दर्शाना पड़ रहा है, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, इधर -5 तक हम दिखा वो कर रहे हैं, इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ दिखा लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, बच्चों जहाँ तक वो हो रहा है वहाँ तक कर रहे हैं। अब हम इसको एक्स, एक्स कहाँ है, ये एक्स अक्षांश है, ठीक, ये वाई अक्षांश है, एक्स अक्षांश में प्लस, तो प्लस यहाँ पे 10, ठीक, वाई अक्षांश में 0, ये 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 0 और पहले एक्स अक्षांश को लिखते हैं फिर बाई को लिखते हैं, यहाँ गलती मत करिएगा बच्चों, क्योंकि पहले अक्षांश को लिखा जाता है फिर बाई को लिखा जाता है, फिर ये 3 और 3, यहाँ पे 3 और ये 5, इसके जस्ट सामने ये आएगा 3 और 5, ठीक। तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे यहाँ मिलाना है हमें, ये ठीक बच्चों। अब इसका हम समीकरण दो को भी
ये जो मोल एक्स अक्षांश में ये वाई का ये हम यहाँ दर्शा लेते थे, एक्स का क्या है 8, एक्स 8 है ठीक, और वाई -2 है, ये -2 यहाँ पे आएगा, यहाँ 8 और -2 हो जाएगा ठीक। अब ये 3 और 5, ये x का 3 हो जाएगा, y का 5, तो ये यहीं पे आएगा, ये वाला यहीं पे आएगा, 3 और 5 यहीं पे सेम। इसको हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से मतलब ये इससे कटना, ये यहाँ, ये यहाँ से कट गया, ये दूसरा हुआ ठीक। बच्चों समीकरण 1 ये वाली रेखा हो गई, समीकरण 2 की ये वाली रेखा हो गई। अब बच्चों यहाँ कट कहाँ पे रहा, 3 और 5 पे, ये 3, ये 5 के सामने, ये 3 के सामने, यहाँ पे आपका 3 और 5 में, इसका आता है पेंसिल, पेंसिल क्या माने थे, एक्स, एक्स है पेंसिल का आंसर, 3x मतलब 3 आया और कलम का 5, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि हमारी ये थोड़ी क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए क्वेश्चन के साथ, जो बच्चे हुए हैं उसको क्वेश्चन हम कराएंगे।